फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर भी बिल्कुल ईजी है, जब हमारी फॉर्मेटिंग हो रखी हो उस फॉर्मेटिंग को हमें कॉपी करके किसी और सेल पर डालना हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्पेशल कलर सेलेक्ट किया बैकग्राउंड के लिए और टेक्स्ट के लिए स्पेशल कलर सेलेक्ट कर लिया है और मैंने इसको बॉर्डर किया है। अब ये वाली जो फॉर्मेटिंग है मुझे किसी और टेक्स्ट पर चाहिए, मैंने लिखा दिस इज टेक्स्ट। अब ये सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ भी चाहिए, तो अब मैं भूल चुका हूँ मैंने यहाँ पर किस किस सेटिंग से यह कैसे किया है, तो काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ पर कि कौन सा कलर मैंने सेलेक्ट किया है। कि ये कलर तो अभी आ रहा है क्योंकि मैंने फाइल ओपन की है, अब ये फाइल मैं किसी और को दूंगा तो ये कलर नहीं मिलेगा उसको, तो उससे मैच करने में, मिक्स एंड मैच करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इसलिए हमें पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। ये जो आप क्लिप बोर्ड के पास देख रहे हैं ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का है, जिसे भी हमें कॉपी करना है, जिसका फॉर्मेट हमें कॉपी करना है उस पर जा करके हमें इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और माउस लेकर के आएंगे जहाँ पर हमें वो अप्लाई करना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे अप्लाई करेंगे वो पूरा चेंज हो जाएगा। कि अगर मैं इस तरीके से कुछ एक लाइन लिख दूँ और फिर मैं इसका फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करूँ और इसे सिलेक्ट कर दूँ ड्रैग करके, तो आप देखेंगे ये पूरा सिलेक्ट हो गया है और वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर आ गया।